सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। ऐसे है जी कि पूरे देश की जनता जो है बढ़ी हुई कीमतें, चाहे वो गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, राशन हो, किसी भी कोई भी चीज़ के ऊपर जो है इतनी कीमतें बढ़ा दी हैं कि जनता त्राही त्राही कर रही है। हम अपोजिशन में होते हुए हमारा धर्म और कर्म बनता है कि हम जनता की आवाज़ को बुलंद करें। 7 तारीख से लेकर 17 तारीख तक कांग्रेस पार्टी जो है शहर के अलग अलग जगहों के ऊपर प्रदर्शन कर रही है। आज हमारे सभी 5 पार्षद और उनके वार्ड के कुछ साथी जो हैं यहाँ पर आए हैं और सेक्टर 17 के अंदर हमने अपनी आवाज़ जो है बुलंद की है। अगर ये आवाज़ नहीं पहुँची वहाँ तक, हो सकता है कि हमारी पार्टी का फैसला हो। अभी कह नहीं सकते कि हम गवर्नर साहब के वहाँ भी घराव करेंगे। ये आवाज़ जो है मोदी साहब को सुननी पड़ेगी। आज देखिए किसान जो हैं वहाँ पर कितने महीनों से वहाँ पड़े हैं और अपनी जेन्युइन डिमांड मांग रहे हैं, वो नहीं सुन रहे। डीजल के ऊपर जो है, पेट्रोल के ऊपर किसानों, डीजल जो है आज किसानों को चाहिए, क्योंकि अभी वो जो है अपना जीरी जो लग रही है वहाँ पे पानी चाहिए और वहाँ पे डीजल नहीं होगा, बिजली के कट लग रहे हैं। अगर डीजल महंगा होगा तो कैसे वो काम करेंगे। और वैसे भी जो है जनता कारियाँ डीजल की हैं, पेट्रोल की हैं, बिना किसी पूछे जो है कीमतों के ऊपर कीमतें 100 रुपया जो है रेट हो गया है। हमारे कांग्रेस के टाइम पे 2 रुपये रेट बढ़े थे और हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है, सुषमा स्वराज जी, सभी ने पार्लियामेंट के ऊपर रेड़े के ऊपर स्कूटर रख के कांग्रेस के बारे में प्रदर्शन किया था। और आज हम वही करने जा रहे हैं कि उनको जगाने जा रहे हैं कि जागो भाई, क्या कर रहे हो आप, क्यों जनता को लूट रहे हो, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। चाहे नगर निगम के अंदर आप देख रहे होंगे, पानी का रेट कहाँ बढ़ा दिया, प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ बढ़ा दी, पार्किंग टैक्स कहाँ बढ़ा दिया, मतलब अलग अलग जो हैं ये टैक्सों वाली सरकार हो गई है, इनको अब तो जाना ही होगा। धन्यवाद। नेशनल बस के लिए बलविंदर आर्य की रिपोर्ट। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।